हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फ्री सॉफ्टवेयर में। तो दोस्तों, आज के वीडियोस में मैं आप भाइयों को ये स्पार्क्स मोबाइल है ये अनलॉक करके दिखाऊंगा। ठीक है, ये बिल्कुल लॉक हो चुका है मोबाइल, अभी मुझे कस्टमर ने दिया है ये, वो लॉक भूल चुका है। ठीक है, तो ये हमें क्या करना है, अनलॉक करना है। अगर हम यहाँ से हार्ड रिसेट करेंगे मोबाइल को तो ये हार्ड रिसेट हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसकी जो FRP है, इसमें गूगल अकाउंट है, वो बाईपास नहीं होता है। ठीक है, अभी इसका कोई ऐसा मेथड नहीं आया है जो इसको हम विदाउट PC कर सकें। ठीक है, ये आप देख सकते हो स्पार्क से है। मैं आगे चल के आपको इसका मॉडल भी चेक करवाऊंगा, लेकिन आप ये वीडियोस कंप्लीट वॉच कर लेंगे इंशाल्लाह। स्पार्क से कोई भी आपके पास मोबाइल आएगा ना, आप इजीली अपना मोबाइल जो है अनलॉक कर लेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि यही सिर्फ मॉडल आप अनलॉक कर सकते हो। अगर ये वीडियोज़ आप कंप्लीट देख लेते हो तो स्पार्क कोई भी मोबाइल है आप अनलॉक कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें जो CPU है, स्पीड्रम का CPU है। ठीक है, ये आप देख सकते हो मोबाइल हमारा बिल्कुल लॉक है, तो हम इसको पावर ऑफ करेंगे। ठीक है, अभी लेटेस्ट सिक्योरिटी में जो आ रहे हैं उस पर ये ऑप्शन होंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हो, कोई भी है ऐसा मोबाइल, वीवो है, स्पार्क्स है, टेक्नो है, जो भी है, अभी लेटेस्ट सिक्योरिटी में आ रहे हैं ना, उसकी फ़िलहाल FRP बाईपास नहीं हो रही है। ठीक है, उसको PC से करना पड़ता है। तो आज हम इसको बाईपास करके देखेंगे और आगे चल के मैं मॉडल वगैरह सब कुछ आप भैयों को दिखाऊंगा, लेकिन आप वीडियोस कंप्लीट वॉच करना। ठीक है, तो मेरे भाई वीडियोस में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, तो आने वाली वीडियो सबसे पहले आप भाइयों तक पहुंच सके। तो इसको हम कर लेते हैं पावर ऑफ। ठीक है, इसको बंद करके रखना है, आपके सामने मैं मोबाइल को बंद कर लेता हूँ। ठीक है, अब चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर, कौन सा टूल है और कैसे वर्क करता है सब कुछ मैं आप भाइयों को चला के, टूल भी चला के दिखाता हूँ, डाउनलोड भी तो करके दोस्तों, मैं दिखाता आ हूँ। चुका हूँ कंप्यूटर की स्क्रीन पे। आप सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये टूल जो है डाउनलोड करना होगा। ठीक है, तो आपके पास कोई भी इंटरनेट ब्राउजर है आप ओपन कर सकते हो। मेरे पास ये गूगल ब्राउजर है। ठीक है, तो ये मैं क्रोम ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद हम सर्च करेंगे AMD टूल। ठीक है, तो ये आपके सामने एंड्रॉइड मल्टी टूल मैंने सर्च किया हुआ है, तो यहाँ क्लिक करते हैं हम। ये हो चुका है, इसकी पहले नंबर पे जो वेबसाइट आ रही है वही हम ओपन करेंगे। ठीक है, ये मैंने ओपन कर लिए, अब थोड़ा सा इंतजार करेंगे, ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम इजीली ये टूल जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ से कर देते हैं, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है। ठीक है, डाउनलोड करके ये ओपन करके रखा हुआ है, आप देख सकते हो। अगर किसी भाई को ये चलाना है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, इस पर कॉन्टेक्ट करके आप ले सकते हो टूल, ये आपको मिल जाएगा मेरे भाई। ये पेड सर्विस है। ठीक है, ये टूल फ्री का नहीं है, एक हिसाब से ये फ्री का है क्योंकि ये लो प्राइस में मिलता है। इस हिसाब से मुझे लगता है ये फ्री का ही है। ठीक है, लेकिन इसकी कुछ जो है चार्जेस देनी पड़ती है, इसमें कुछ क्रेडिट ओपन करने के लिए डलवाने पड़ते हैं। ठीक है, तो सब कुछ डिटेल मैं आपको बता दूंगा, व्हाट्सएप पे आ जाए। अगर ये आपको मॉडल अनलॉक करना है या ऑनलाइन भी करवाना है तो भी आप इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ब्रांड अपना जो है सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो देखें ब्रांड इसमें कोई स्पार्क्स नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इनफिनिक्स सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये आपके सामने मैंने कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ सर्च करेंगे, यहाँ लिख लेंगे 30 और आगे लिखेंगे आई। ठीक है, ये आपके सामने जो हॉट 30 मोबाइल आ रहा है आई, ठीक है, SPD का, यही हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, आपके सामने मैंने कर लिया है, तो ये इसको मैच करता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे मोबाइल में FRP एंड यूजर लॉक दोनों ही है। ठीक है, तो यहाँ हम फैक्ट्री रीसेट एंड FRP करेंगे, तो आपके सामने मैं ये कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये बोल रहा है मोबाइल कनेक्ट करने को। ठीक है, तो हम अपना मोबाइल जो है बंद होना चाहिए, वॉल्यूम डाउन अप बटन दोनों प्रेस करके PC के साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, मैं आपके सामने मोबाइल को कर देता हूँ कनेक्ट। तो दोस्तों, ये वॉल्यूम बटन दोनों हमें प्रेस करने होंगे, आपके सामने मैं कर लेता हूँ, और मोबाइल बिल्कुल बंद होना चाहिए। अब इसने ड्राइवर उठा लिए हैं, हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे। अब ये जो है प्रोसेसिंग चल रही है, थोड़ा सा हम इंतजार करेंगे, अपना मोबाइल जो है खुद ब खुद रिबूट हो जाएगा। ठीक है, आपके सामने है, अब ये मोबाइल रिबूट हो चुका है। ठीक है, थोड़ा सा हम इंतजार कर लेते हैं और इस केबल को निकाल देते हैं, अब इस केबल का कोई काम नहीं है। ठीक है, ये इरेज हो रहा है आपके सामने।
अब कंप्यूटर को साइड पे कर देते हैं, कंप्यूटर का कोई काम नहीं है तो कंप्यूटर को हम साइड पे कर देंगे। अब सिर्फ मोबाइल का इंतज़ार करना होगा, थोड़ा सा हम इंतज़ार करेंगे। इसमें कुछ टाइम आपको पता होगा कि लग जाता है, हम इसको हार्ड रीसेट करते हैं फिर भी टाइम लग जाता है। तो अभी थोड़ी सी वीडियोस को पॉज कर लेंगे। तो दोस्तों हमारा मोबाइल जो है इस मोड में आ चुका है, ठीक है, ये F4B मोड है, इसमें आ चुका है। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे, स्टार्ट करेंगे इसको, ठीक है। यहाँ से ये ऑफलाइन का ऑप्शन साथ में आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ क्लिक करेंगे हम कंटिन्यू, उसके बाद थोड़ा सा वेट करेंगे या नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। मोर पे क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट, उसके बाद यहाँ से हम एस्केप करेंगे, एस्केप। दोस्तों ये आप देख पा रहे हो हमारा मोबाइल जो है ओपन हो चुका है, इसमें कोई F4P लॉक वगैरह कुछ भी नहीं है, यूज़र लॉक वगैरह सब कुछ ख़त्म हो चुके हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियोस आप भाइयों को अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।